स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार, जेपीएम कॉलेज छपरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का ऑनलाइन लेक्चर जो है उसका प्रश्न है असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करके, इवैल्यूएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन का राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और यह आंदोलन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन है, और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इससे पहले भी महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ काफी संघर्ष किया, जिसकी ख्याति विदेश में फैलने के साथ साथ भारतीय जनमानस में भी फैली थी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी आते हैं और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर संपूर्ण भारत का दौरा करते हैं। इसी बीच में वो कांग्रेस के सदस्य भी बनते हैं, और इन 1915 से 1920 के अवधि में उन्होंने कई आंदोलन किए, जिनमें हम 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का मिल मजदूर तथा कर नहीं देने का आंदोलन गुजरात में, इसी प्रकार से फिर हम रॉलेट एक्ट। तो कुल बात ये थी कि ये असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन सीधे ऐसे भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करें, या क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ सकता है कि यह आंदोलन न तो पूर्णतः सफल था और ना ही असफल, इसकी व्याख्या करें, या एक कमेंट दे दिया जाएगा और इस कमेंट में कहा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का वापस लेना एक राष्ट्रीय विपत्ति थी, इस कथन की व्याख्या करें। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर यही होगा। अब हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 22 ईस्वी तक चला। 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया गोरखपुर में है, तो चौरी चौरी घटना के बाद इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी में वो घटना हुई थी, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने वापस ले लिया था, यानी यह असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था, और यह कांग्रेस समर्थित प्रथम जन व्यापी आंदोलन था, यानी इसमें पहली बार कांग्रेस जो है वो जन आंदोलन के रूप में, जनता के आंदोलन के रूप में नजर आई थी, और एक जनव्यापी पार्टी के रूप में नजर आई थी। ये असहयोग आंदोलन था, ये पूर्णतः गांधीवादी नीतियों द्वारा, यानी सत्य और अहिंसा की नीतियों के द्वारा, अहिंसा गतिविधियों के द्वारा चलाया जाना था, और इसका प्रमुख जो मांग था वह था कि सरकार से असहयोग करना। मतलब ये था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी जी सहित विभिन्न नेताओं का मानना था कि यह सरकार उसी समय तक भारत पर शासन कर रही है जब तक भारतीय कांग्रेस का अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यदि भारतीय अंग्रेजी सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो यह सरकार खत्म हो जाएगी, यानी असहयोग करना। दूसरा इसमें मांग क्या था, तो इस आंदोलन का महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख मांग था वह था स्वराज की प्राप्ति। यहाँ यह ध्यान देना है कि स्वराज यहाँ दो अर्थों में, कांग्रेस द्वारा जहाँ कहा गया स्वराज की प्राप्ति, और यह स्वराज ब्रिटिश शासन के अधीन, और यदि संभव हो तो ब्रिटिश शासन के बाहर। मतलब कि अगर पूर्ण आजादी मिलती है तब भी सही, अगर नहीं मिलती है तो कम से कम ब्रिटिश शासन के अधीन ही आजादी मिले। लेकिन
महात्मा गांधी जी ने इसका लक्ष्य रखा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब यहाँ यह था कि पूर्णतः आजादी, और दूसरा इन्होंने यह वचन दिया था कि यदि उनके नीतियों के द्वारा ये आंदोलन चलाई जाती है तो एक साल के अंदर में भारत जो है वो पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेगा। वातावरण में नया जोश था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जनमानस में शामिल को एक नया सितारा नजर आया और वे असहयोग आंदोलन में व्यापक भागीदारी प्रदर्शित की। अब ये आंदोलन के क्या कारण थे, आखिर ये आंदोलन इसी समय क्यों? तो इसका एक कारण था कि रॉलेट एक्ट 1918। हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए विशेषकर सशस्त्र क्रांतिकारियों अर्थात जिसको वे लोग आतंकवादी क्रांतिकारी कहते थे, उन आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट के द्वारा यानी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जो सेडिशन कमेटी के नाम से जानी जाती है। और इस सिडनी रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट एक्ट के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया था जो काफी दमनकारी था। आमतौर पर इस कानून के बारे में यह कहा जाता है कि ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, मतलब ये कानून जो था पूर्णतः पुलिस राज की स्थापना करता था। दूसरा आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल वो डायर ने पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को नृशंस गोली चलाकर नृशंस हत्या की, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस नृशंस घटना का ब्रिटिश समाचार पत्रों में ब्रिटिश लोगों ने पर्याप्त समर्थन दिया और जनरल डायर के कार्य को सही ठहराया, लेकिन यह बिल्कुल ही नृशंस था जिसमें निहत्ते और निसहाय लोगों पर गोली चलाया गया। हद तो तब हो गई जब सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया और हंटर कमेटी ने भी एक प्रशासनिक भूल माना और डायर को क्या सेना से भारत में नौकरी करने के लिए काबिल नहीं समझा गया, उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन इंग्लैंड के लॉर्ड सभा ने यहाँ डायर को सम्मानित किया, जिसके कारण से भारतीय जनता, भारतीय जनमानस में एक भाई कि ब्रिटिश सरकार जो है वो पूर्णतः निशंस और असभ्य लोगों की सरकार है, ऐसी सरकार को बर्दाश्त करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। हमने पहले ही कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था और कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया। कांग्रेस ने जो यहाँ कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक सुनियोजित निशंस कांड था और इसके लिए जहाँ पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिया जाए वहीं पर हंटर को दंडित किया जाए, लेकिन कांग्रेस की मांग का कोई असर नहीं पड़ा। अब आते हैं अंग्रेजी राज की दमन नीति। जैसे ही अंग्रेजी राज की दमन नीति का आशय यह था कि ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और विश्व युद्ध के समाप्ति के दौर चल रहा था और इसके साथ ही क्या ब्रिटिश सरकार जो था वो भारत में उभरते हुए राष्ट्रवादों का दमन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, पुलिस और सेना का भरपूर सहयोग कर रही थी और सभी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को जेल के अंदर डाल रही थी और उसके लिए कानून बना रही थी। इसी में देखते हैं खिलाफत आंदोलन। जैसा कि पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्र अर्थात इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था और उसमें तुर्की की पराजय हो गई थी। तुर्की के खलीफा जो कि राजनीतिक और धार्मिक प्रधान हुआ करते थे, इनके विरुद्ध अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई गई उससे मुसलमान असंतुष्ट थे। मुसलमानों ने यह देखा कि अंग्रेजी राज मुसलमानों का हितैषी नहीं है, बल्कि वो खलीफा के खिलाफत को समाप्त करके इस्लाम धर्म को नष्ट करना चाहता है। इसी कारण से भारत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन भी शुरू किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इस आंदोलन में समर्थन की। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने एक अवसर के रूप में लिया और असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो इसलिए खिलाफत की मांग को उन्होंने समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय कारण, हम यहाँ देखते हैं कि रूस, आयरलैंड, तुर्की, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इन सभी देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए थे और इन आंदोलनों के कारण भारतीय जनमानस पर भी काफी राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा था। आर्थिक कारण, जैसा कि 1918 से 1922 के ईस्वी में देखा जा रहा है कि इस दौरान भारत में वस्तुओं की कीमत मांग घट रही थी, बढ़ रही थी, जिसके कारण से आम जनता की जो दैनिक रोजमर्रा की आवश्यकताएं थी वो काफी उसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके कारण से भारतीय जनमानस जो था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी। यहाँ तक कि मदिरा पर कर बढ़ा देना, नमक पर कर बढ़ाना, आयकर कर को दोगुना कर देना, ये सभी नीतियां जो थी वो ब्रिटिश अंग्रेजी राज के वो शोषक नीति का परिचायक थी। इसी दौरान देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी लाया जाता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत को
जो सुधार दिए जाते हैं वो सुधार पर्याप्त नहीं थे। कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त अपर्याप्त औचित्यहीन तथा असंतोष व्यक्त किया। इसी प्रकार से देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का यह दौर चला था और हिंदू मुस्लिम एकता में खिलाफत और कांग्रेस दोनों एक मंच पे आ गई। उसके बाद देखते हैं गांधी जी का व्यक्तित्व। मैंने पहले ही कहा कि इस दौर में गांधी जी का व्यक्तित्व काफी विशाल हो गया था और विभिन्न आंदोलनों में कि उनके सफलता के कारण भारतीय जनमानस में एक नई लहर उत्पन्न हो गई थी। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में कुछ खास था जिसके कारण से प्रत्येक भारतीय उनकी तरफ आकर्षित होते थे। इसी प्रकार से हम फिर आते हैं कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके द्वारा एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था। इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को फिर इसके विधिवत अधिवेशन जो हुआ वो नागपुर में हुआ। नागपुर में भी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई थी। इसके उपलक्ष्य में गांधी जी ने कहा था कि यदि उनके नीतियों पर चलाया जाए तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति एक साल के अंदर हो सकती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पंजाब में अकाली आंदोलन, पंजाब के जितने भी गुरुद्वारे थे उस पर भ्रष्ट महंतों का शासन था और इसके कारण वहां के अकालियों के द्वारा महंतों को गुरुद्वारों से मुक्त कर गुरुद्वारे से महंतों को मुक्त कराने के लिए अकालियों के द्वारा तीव्र आंदोलन किया जा रहा था। इस जहां महंतों का समर्थन ब्रिटिश सरकार कर रही थी वहां अकाली आंदोलन का समर्थन कांग्रेस कर रही थी, तो अकालियों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा था। सशस्त्र क्रांति तेज हो रहा था। जैसा कि देखते हैं कि भारत में जो सशस्त्र क्रांति था वो सशस्त्र क्रांति तेज हो गई थी और सशस्त्र क्रांति में ये क्रांतिकारी जो थे वो सर्वस्व अर्थात बलिदान के लिए तैयार थे, वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार थे और इनका एक क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार तलवार के बदौलत पर टिकी हुई है जिसका समाप्त तलवार से द्वारा ही किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर सशस्त्र क्रांति का उदय होने से जहां ब्रिटिश सरकार चिंतित थी वहां कांग्रेस और महात्मा गांधी भी चिंतित थे। कृषक और मजदूरों वर्ग का संगठित होना, 1917 ईस्वी में रशिया में क्रांति होती है जिसमें साम्यवाद एक बेहतर रुख अख्तियार करता है और साम्यवादी सरकार बनती है, उसका प्रभाव भारत में भी देखा गया और कृषक मजदूर अब काफी संगठित होने लगे थे और कृषक मजदूरों की जो प्रमुख मांग थी वह थी उनके दयनीय दशा में सुधार होना। लक्ष्य और कार्यक्रम, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, दूसरा था कि महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज दोनों में अंतर था। ये स्वराज जो था ये ब्रिटिश शासन के अधीन या ब्रिटिश शासन के बाहर भी हो सकता था और इस पूर्ण स्वराज का अर्थ था कि ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल बाहर रहना यानी पूर्णतः आजाद होना। तीसरा इसमें था कि सरकारी और सरकारी परिषदों आदि से त्यागपत्र देना। चौथा स्वदेशी यानी स्वदेशी संस्थाओं स्वदेशी वस्तुओं का होकर प्रयोग करना और बहिष्कार मतलब विदेशी संस्थाओं विदेशी कार्यालयों न्यायालय सेना नौकरी से बहिष्कार करना। और छठा था कि सरकार को पूर्ण कोई सहयोग नहीं करना, सरकार से असहयोग करना। सातवां था कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का विकास करना और जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के विकास के दौर में इस दौर में कई महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं का विकास हुआ जिसमें बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, लाहौर का राष्ट्रीय कॉलेज, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, तिलक विद्यापीठ जैसे कई शैक्षिक संस्थाएं जो है वो गठित हो गई। टैक्स न देना ये अंतिम था कि और लास्ट में हम यहाँ आते हैं कि आंदोलन का निलंबन क्यों हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों के द्वारा एक दरोगा और 21 सिपाहियों को जलाकर हत्या कर दी जाती है और इस हिंसक घटना के कारण से महात्मा गांधी ने यह आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। दूसरा कारण था कि ये हिंसक घटनाएं जो थी, जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि यहाँ कोई भी आंदोलन सत्य और अहिंसा पर ही चले जाएगा यानी नैतिक पतन नहीं हो, लेकिन हिंसा का प्रवेश होने से यह आशंका विद्यमान हो गई थी कि सरकार जो है वो पूर्णतः दमन की नीति पर अपनाएगी और अब आंदोलनकारियों पर दमन किया जाएगा जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया था। सांप्रदायिक संघर्ष, मोपला में देखा गया कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ गए थे और ऐसा सांप्रदायिक संघर्ष कई जगह नजर आया। तीसरा हम आते हैं कि सरकार की दमनकारी नीति होने लगी थी और चौथा है कि हिंदू मुस्लिम एकता टूट गई थी क्योंकि खिलाफत का जो प्रमुख मांग था वो मांग था खलीफा की रक्षा करना यानी तुर्की खलीफा की, जबकि कांग्रेस का प्रमुख मांग था कि वह कांग्रेस भारत में स्वशासन। निश्चित तौर पर जब 1922 तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा को समाप्त कर दिया जाता तो खिलाफत आंदोलन ऑटोमेटिक समाप्त हो गए। पांचवा में है गांधीवादी नीतियों का अनुसरण नहीं होना, और जब गांधीवादी नीतियों का अनुसरण नहीं हो रहा था तो निश्चित तौर पर इसमें हिंसा आ गई थी और इस हिंसा के कारण
अब गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन शुरू करना उनके भयंकर भूल थी, इसीलिए उनको उन्होंने कहा कि ये ब्लंडर मिस्टेक था ये आंदोलन शुरू करना। उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और सरकार इस अवधि के दौरान कोई समझौवाती रूप नहीं अपनाती है। अब आते हैं परिणाम। परिणाम में देखते हैं कि यह आंदोलन न तो बड़ी असफलता थी न तो पूर्णतः सफल, अर्थात इसको हम असफल भी नहीं कर सकते थे और सफल भी नहीं कर सकते थे। जो तीन लक्ष्य थे वो तीनों लक्ष्य पूरा नहीं हुए थे। पहला लक्ष्य था कि खिलाफत की मांग को पूर्ण करना, वो हुआ नहीं। दूसरा था स्वराज की पूर्ति होना, वो भी नहीं हुआ। तीसरा था पंजाब के अत्याचारों की क्षतिपूर्ति न होना, पंजाब के जो अत्याचार हुए थे उसका क्षतिपूर्ति दिया जाए तथा जनरल हो डायर और तथा अन्य अधिकारी को दंडित किया जाए, वो भी नहीं हुआ। चौथा था कि राष्ट्रीय आंदोलन का आधार विकसित हुआ। इस आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन अब कांग्रेस का आंदोलन काफी विकसित हो गया, अब जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भय समाप्त हो गया। छठा था कि स्त्रियों एवं छात्रों की भागीदारी देखी गई और व्यापक भागीदारी देखी गई, खासकर स्त्रियों के जब धरना प्रदर्शन शराब के दुकानों पर होता है, टिकट के लिए होता था, उसमें स्त्रियां बहुत भागीदारी थी। सातवां था कांग्रेस का जन आंदोलन स्वरूप विकसित हुआ। आठवां था कि स्वदेशी उद्योग और शैक्षिक संस्थानों का लाभ प्राप्त हुआ। नवा था गांधी की गिरफ्तारी हो गई और 1924 ईस्वी में फिर छोड़ भी दिया गया तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण। और इसी आंदोलन के उपरांत स्वराज दल का गठन भी हुआ था जो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं कि गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे। तो गांधी जी के वापस लेने के कई कारण विभिन्न विद्वानों ने दिया है। सर्वप्रथम दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, जहां असहयोग आंदोलन को वापस लेने को गांधी जी की तानाशाही कहा है, वहीं इसको राष्ट्रीय विपत्ति कहा है और कहा कि जब आंदोलन चरम सी स्थिति में था उस स्थिति में आंदोलन को वापस लेना आंदोलन का गला घुटने के समान था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन का वापस लेना एक महान भूल थी। संभवतः इस गांधी जी के आंदोलन वापस लेने का चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सभी ने भी असहमति जताई है। आर पी दत्त ने इंडिया टुडे में अपने जो उनकी पुस्तक थी उसमें कहा कि ये आंदोलन वापस लेना जन आंदोलन से भय खाकर महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा से भड़काव हो गया था, यानी हिंसा का प्रवेश हो गया था। सरकारी दमन की जो था वो तेज होने वाला था और तेज हो भी रहा था। उसके बाद था कि सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और नैतिक भड़काव हो गया था। सरकारी मत जो था वो था कि चौरी चौरा कांड एक बहाना था, वस्तुतः ये आंदोलन असफल हो गया था और सरकार जो है वो अब दमन करके सरकारी दमन के द्वारा ये आंदोलन को समाप्त होने की स्थिति आ गई थी। जूडिथ ब्राउन ने कहा है कि वापस लेकर वास्तविकता का परिचय दिया, यानी ये आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने वापस लेकर वास्तविकता का परिचय दिया। एक्चुअली ये जब आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन को शुरू होने में ही पहले ही मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एन बेसेंट ने इस असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था। अब आते हैं कि प्रमुख कथन। तो प्रमुख कथन में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें जेलों के द्वार चौड़े कर देने चाहिए और हमें जेलों में उस तरीके से प्रवेश करना चाहिए जैसे दुल्हन के कक्ष में दुल्हा प्रवेश करता है, अर्थात हमें जेल का भय समाप्त होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं एक व्यवस्थित अत्याचार का उस चरम सीमा तक विरोध करूंगा जब तक मैं करना चाहूंगा, गांधी जी का एक कथन था। एस एन बनर्जी ने कहा कि रॉयल आंदोलन असहयोग आंदोलन की एक जननी थी। महात्मा गांधी में कुछ विशेष बात ऐसी थी जो प्रत्येक भारतीय को आकर्षित करता है, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अंतिम तौर पर यह कहा सकता है कि यह आंदोलन असफल आंदोलन नहीं था बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख चरण था, एक प्रमुख आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आजादी के लिए एक आधार तैयार किया था। थैंक यू।